उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी हत्याकांड को 24 घंटे के अंदर सुलझा लेने का दावा किया है। रशीद पठान नाम का शख्स इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तीनों इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। इनके नाम हैं रशीद अहमद पठान, मौलाना मोहसिन शेख और फैजान। रशीद अहमद पठान 23 साल का है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी, यूपी पुलिस के मुताबिक रशीद अहमद पठान को कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञान है, हालांकि वो पेशे से दर्जी का काम करता है। हिरासत में लिए गए दूसरे शख्स मौलाना मोहसिन शेख की उम्र 24 साल है और वो एक साड़ी की दुकान पर काम करता है। तीसरे शख्स का नाम है फैजान और उसकी उम्र है 21 साल। ये शख्स भी सूरत में रहता है और जूतों के दुकान पर नौकरी करता है। कमलेश तिवारी के बेटे सत्यम ने पिता की हत्या की जाँच NI से करने की अपील की है। बेटे ने कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है क्योंकि सुरक्षाकर्मी रहते ही उनके पिता की हत्या कर दी गई। ऐसे में कैसे प्रशासन और सरकार पर भरोसा किया जाए। उधर हत्या के आरोपी मौलाना मोहसिन शेख, फैजान और रशीद को पूछताछ के लिए ATS अहमदाबाद दफ्तर ले जाया गया है। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मास्टरमाइंड पठान की तस्वीर भी सामने आई है। 23 साल का रशीद पठान पेशे से दर्जी का काम करता है, लेकिन उसे कंप्यूटर का भी ज्ञान है, एक्सपर्ट है। रशीद पठान सूरत का रहने वाला है और उसके दो साथियों को गुजरात से ही हिरासत में लिया था। कमलेश तिवारी की हत्या पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो आरोपियों को नहीं छोड़ेंगे और खुद केस की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि तिवारी का परिवार योगी से मुलाकात करना चाहता था, इसलिए उसका कहना था कि जब तक CM नहीं आ जाते वो अंतिम संस्कार नहीं करेगा, लेकिन बाद में प्रशासन के साथ समझौता हो गया और अंतिम संस्कार करने पर परिवार राजी हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।